केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी चारधाम परियोजना को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल वेदर राजमार्ग परियोजना में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने और डबल लेन हाईवे बनाने के लिए केंद्र को हरी झंडी दिखा दी है। यह अनुमति मिलने के बाद चारधाम परियोजना के तहत भारत की चीन तक पहुंच और आसान हो जाएगी और किसी भी मौसम में भारतीय सेना चीन से सटी सीमाओं पर पहुंच सकेगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था। मामले की जांच के लिए एक समिति बनाई गई है जिसका नेतृत्व कांग्रेस नेता शशि थरूर कर रहे हैं। इस संसदीय समिति ने इस हैकिंग को लेकर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों से सवाल पूछे हैं। समिति ने पेगासस को लेकर भी अधिकारियों से सवाल किए, जिस पर अधिकारियों ने जवाब दिया कि मामला विचाराधीन है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के आज 4 नए मामले सामने आए हैं, जिससे यहां कुल संक्रमितों की संख्या 6 हो गई है। 6 मामलों में से एक मरीज को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वर्तमान में 35 कोरोना मरीज और 3 संदिग्ध मामले LNJP अस्पताल में भर्ती हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसकी जानकारी दी। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी हिंसा का मामला फिर से उठाया है। उन्होंने कहा कि हिंसा के दौरान जीप में कौन था, क्या लखीमपुर खीरी के किसान भूल जाएंगे, किसानों को जीप से किसने रौंदा कौन नहीं जानता। 17 दिसंबर को कार्यकाल के 3 साल पूरे करने जा रही राजस्थान की गहलोत सरकार के कामकाज को लेकर मंत्री महेश जोशी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार का 3 साल का कार्यकाल शानदार और अतुलनीय रहा। कार्यकाल की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर सरकार की अब तक की उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाया जाएगा। मंत्री जोशी ने सरकार के कोरोना प्रबंधन को भी जमकर सराहा। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 20 दिसंबर से पूरक परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इस संबंध में सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जल्द ही परीक्षा कार्यक्रम और समय सारिणी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। प्रदेश के बेरोजगार अभ्यर्थी लंबे समय से रीट भर्ती में पदों की संख्या 31,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर बेरोजगारों का शहीद स्मारक पर धरना चल रहा है। हालांकि शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला इस संबंध में बेरोजगारों को आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन अब बेरोजगारों की मांग है कि सरकार की तरफ से उन्हें लिखित में आश्वासन चाहिए। चूरू जिले के 5 थानाधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। स्थानांतरण पाने वालों में रतनगढ़ CI मनोज मूंड भी शामिल हैं। अब मनोज मूंड को सुजानगढ़ का थानाधिकारी बनाया गया है। वहीं संजय पूनिया को मनोज मूंड की जगह रतनगढ़ थाने का थानाधिकारी बनाया गया है। CI SP नारायण टोगस ने इस संबंध में आदेश जारी किए। प्रदेश में सर्दी के तीखे तेवर बरकरार हैं। फतेहपुर में बीती रात तापमान में 1.3 डिग्री की बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन दिनभर आसमान में बादल छाए रहने से लोग सर्दी से बचने के जतन करते नजर आए। मौसम विभाग के मुताबिक देश के उत्तरी भाग से आने वाली हवाओं के कारण सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं आगामी 5 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। दक्षिण अफ्रीका के साथ खेली जाने वाली वनडे श्रृंखला में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी से हटाए जा चुके विराट कोहली एक दिवसीय श्रृंखला का हिस्सा नहीं होंगे। जानकारी के मुताबिक कोहली ने पहले ही BCCI को अपनी अनुपलब्धता के बारे में बता दिया था। वे अपनी बेटी वामिका के पहले जन्मदिन पर अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं और उसी समय वनडे सीरीज भी होनी है। ऐसे में विराट का सीरीज में खेलना मुश्किल है। हालांकि विराट की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।